रक्षा मंत्री गेव दी स्टेटमेंट अबाउट द पीओजे की, एज यू आर अवेयर दैट पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द सब्जेक्ट, सो देयरफॉर इट्स नथिंग न्यू, इट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन. एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न, इंडियन आर्मी विल कैरी आउट एनी ऑर्डर विच इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड व्हेनेवर सच ऑर्डर्स आर गिवन वी विल ऑलवेज बी रेडी फॉर. ये है नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतीय सेना भारत सरकार द्वारा दिए किसी भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो पीओके माने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेना ही क्यों ना हो. अब अगर बात इंडियन आर्मी की हो रही है तो इन सबके बीच ऋचा चड्ढा ट्रेंड क्यों कर रही है, या यूं कहें ट्रोल क्यों हो रही है, सीन क्या है? वेल, सीन ये है कि बुधवार को एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इसी स्टेटमेंट को रीट्वीट करके लिखा कि गलवान सेज हाय, एंड पीपल ऑन ट्विटर वेंट मैड. लोगों को ऋचा का ये सार्कास्टिक ट्वीट कतई डिमीनिंग और डिस्गस्टिंग लगा, एंड शुरू हो गया ट्विटर पे रॉयल रंबल. एक तरफ पूरी इंडियन ट्विटर कम्युनिटी और दूसरी तरफ ऋचा चड्ढा एंड द यूजुअल सस्पेक्ट बॉलीवुड. लोगों ने पहले ऋचा को सुनाया और फिर उनकी फिल्म फुकरे 3 को, जो अगले महीने रिलीज होने वाली है. उसका तो टीजर आने से पहले ही टीजिंग शुरू हो गई है. अब बॉयकॉट फुकरे 3 चल ही रहा था तो हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड भी वापस जिंदा हो गया. ऑल्दो ऋचा ने अपना ये ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन बात निकली है तो दूर तक जाएगी ही. अब जाते जाते जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि गलवान वैली में आखिर हुआ क्या था. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है, लेकिन टेंशन तब सबसे ज्यादा बढ़ गई जब 15 जून 2020 को गलवान घाटी में इंडियन आर्मी और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हिंसक झड़प हुई. चीन ने एक कायर की तरह भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, लेकिन निहत्थे भारतीय जवानों ने चीनी सेना के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि कई घंटों तक कर्नल संतोष बाबू और उनकी टीम ने करीब दोगुनी संख्या में मौजूद चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, और देश के लिए लड़ते हुए 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हो गए. इन्हीं वीर कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. गलवान घाटी के वीरों की यह शहादत ना कभी देश भूला है ना ही भूलेगा. ऐसे में एक भारतीय सेलिब्रिटी द्वारा ऐसा ट्वीट और उस पर लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया, जायज है या नाजायज, आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं. बाकी एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें एंटरटेनमेंट लाइव. थैंक्स फॉर वॉचिंग.